अब इसको देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। इनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और उसका जो वाई इंटरसेप्ट बनेगा वो -4 होगा। तो के की वैल्यू पूछिए, तो देखो ए की वेरिएबल है के, और जो जो स्टेप्स बोले गए हैं उनको फॉलो करते जाते हैं, तो सिंपली हो जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है 1,4 और k,3 को ज्वाइन करके बनता है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, उसके लिए पहले तो मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट आ जाएगा k+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7/2। एक पॉइंट आ गया, अब स्लोप चाहिए, तो इस गिवन लाइन की स्लोप इसको देख लेते हैं, ये स्लोप कितनी होगी। इसकी जो स्लोप है ये इट विल बी, इसको m1 ले लेता हूँ मैं, 3-4 डिवाइडेड बाय k-1 विच इज़ -1 डिवाइडेड बाय k-1। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप कितनी आएगी, m2, इट इज़ -1/m1। तो -1/m1 की वैल्यू भरेंगे तो एक k-1 सिंपली आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास पॉइंट है, यू हैव पॉइंट, यू हैव स्लोप, तो इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है ना, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो आ जाएगी, इसको लिखना कोई कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिखेंगे उसका फिर वाई इंटरसेप्ट निकाल देंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कितना आएगा, इट विल बी यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेंगे। पॉइंट इज वाई माइनस वाई वन विच इज 7/2 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज k-1 एंड एक्स माइनस k+1 डिवाइडेड बाय 2 इतना आ जाएगा, 2y-7 इक्वल टू, यहाँ पर 2 मैंने कैंसिल कर दिया, एक्स 2x-k+1 बच जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। अब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हमें इसका सिर्फ वही पार्ट सॉल्व करना है जो पूछा है। वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 की जाती है। वाई इंटरसेप्ट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि क्या किया जाए, एक्स की वैल्यू 0 कर दो फॉर वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स इक्वल टू 0, वहाँ से वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। और ये वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, ये -4 है, दिस वाई इंटरसेप्ट इज -4। तो अगर ये -4 है तो डायरेक्टली हम एक्स को 0 पुट करेंगे और जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी -4, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे -4 आएगी, 2 × -4 -7 इक्वल टू k-1, एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 2 × 0 -k+1। ठीक है, तो राइट साइड आप देखिए, माइनस ऑफ k-1 × k+1 बचा है सिर्फ। स्टूडेंट्स इसको अगर आप पहले सॉल्व कर लेते ना, इस स्टेप में सॉल्व करते तो वो फालतू की मेहनत होती, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि k² - 1 आ जाएगा, माइनस बाहर है तो 1 - k² हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है a+b a - b का। तो इस फॉर्मूले की ही यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली थी, -8 - 7, क्योंकि अगर आप इसके बिना करते ना तो k-1 पहले x से मल्टीप्लाई होता, फिर कितना टाइम लगता। तो यहाँ से आप देखिए k² की वैल्यू आ गई 16 और k की वैल्यू आई +-4, ये दो वैल्यूज आई k की। सिंपल क्वेश्चन था, हाँ करने में 1 से 1.5 मिनट जरूर लगेगा इसको, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। क्वेश्चन ये सबको करना चाहिए था, जेईई मेन का ये क्वेश्चन सबको करना चाहिए था। -4 यहाँ पर आंसर आया हुआ है।